तो बम कैलोरीमीटर में जनरली हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का सैंपल का एनालिसिस करते हैं, जैसे कोल का एनालिसिस करते हैं, ऑयल का एनालिसिस करते हैं, पेट्रोल का ऑयल उसी में हो जाएगा, फिर क्या करते हैं उसमें मास का, बायोमास का उसमें एनालिसिस करते हैं। इतने प्रकार के हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते करते उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, बम सर्विस लिमिट क्रॉस दिखाता है, ठीक है, बम सर्विस कंप्लीट हो गया करके बोलता है। तो उसको हम कैसे मैनुअल क्या कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल से बताने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, बम सर्विस लिमिट मतलब क्या होता है, एक तरह से अलार्म बोल सकते हो, ठीक है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ये अलार्म की तरह काम करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को, जैसे मेरे को कल सुबह 6 बजे उठना है, तो 6 बजे का मैं अलार्म डाल दूंगा, तो वो ठीक 6 बजे मेरे को क्या करेगा, अलार्म बज के मेरे को जगाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसमें बम में हमारे पास क्या रहता है, जब बम किलोमीटर में हम सिंपल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम 1500 का लिमिट डाल देते हैं या 500 का लिमिट डाल देते हैं। जब उतना सिंपल हो जाता है, तब हमको वो बताता है कि बम सर्विस लिमिट कंप्लीट हो गया। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसका लिमिट बढ़ाना पड़ेगा या तो हमको फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज़ नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास मशीन है, कोई भी मशीन, हो सकता है PAR 64 सा हो सकता है PAR 62 सा हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन मेन्यू टैप करना है। आप जाओगे तो मेन मेन्यू बना रहेगा, आप वहाँ एनालिसिस करते हो, जितना बनता ही हो। हमारे पास क्या चीज़, एक मेन मेन्यू बन गया, इसमें अलग अलग प्रकार का डिब्बा बना रहता है, जिसमें कुछ कुछ नाम लिखा रहता है, ठीक। इसको आपको देखना है। तो सबसे पहला ये हमारे पास दिख रहा है जो फेस, वो मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हम जाते हैं कहाँ पे, कैलिब्रेशन एंड डाटा कंट्रोल। याद रखिएगा, मेन मेन्यू हमको कहाँ जाना है, कैलिब्रेशन एंड डाटा कंट्रोल में जाना है। यहाँ पे टेप करते हैं, याद रखिएगा, कैलिब्रेशन एंड डाटा कंट्रोल को टेप कर दिए, तब यहाँ पे क्या खुलेगा, आपके पास ऑप्शन बहुत सारा खुल जाएगा, BUM 1, BUM 2, BUM 3। आपको याद रखना है, एक लिमिट में दिखाएगा, आपके पास एक मशीन में मिनिमम तो 2 बम होता ही है। तो 2 बम होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, कोई भी जो बम आपको दिखा रहा है कि लिमिट हो गया है, तो उस बम को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास मान लो BUM 1 है, BUM 1 को सेलेक्ट किए, तो फिर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें लिमिट दिखाता है, लिमिट आपने कितना सेट किया है। हो सकता है आप 1500 सेट की हो, उसको आप बढ़ा सकते हो, 2000 कर सकते हो, अगर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो। आप मान लो कर दिए तो आप तभी से आपका काम बन जाएगा, अगर ज़्यादा है तो आप फाइल डिलीट कर दो तो भी काम बन जाएगा। अगर इतना अगर लग रहा है तो फिर आपको क्या करने का पड़ेगा, तीसरा में हो जाएगा हमारे पास। अब क्या देखते हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, दोनों ऑप्शन को नहीं ले रहे हो, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है बम फायर काउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेस्ट बम फायर काउंट को हमको क्या करना पड़ेगा, टेप करना पड़ेगा 2 बार। रेस्ट बम फायर को एक बार कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो टेप करेगा, कंफर्म के बाद हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आप जब करते हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आप उतना ही सिंपल कर सकते हो, राइट। तो हमने क्या बताया आज, आपके पास जब कोई भी सिंपल एनालिसिस कर रहे हो सकता है कोल का एनालिसिस, ऑयल का, बायोमास का, कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हो बम कैलोमीटर से, राइट। तो उसमें कभी कभी क्या बताता है, बम सर्विस लिमिट बताता है। तो उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो लिमिट बढ़ा दीजिए या फाइल डिलीट कर दीजिए। अगर दोनों नहीं करते हो तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेस्ट फायर बम काउंट, उसको आपको टेप करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम कहाँ कहाँ पे गए, तो सबसे पहले मेन मेन्यू गए, मेन मेन्यू में देखे तो कैलिब्रेशन डाटा कंट्रोल में गए, टेप किए, जो बम का दिखा रहा है, मान लो BUM 1, BUM 2, BUM 3, BUM 4, आपको मान लो BUM 1 में दिखाया, तो BUM 1 में आपको टेप करना है, फिर आपके पास लिमिट बढ़ाना है तो लिमिट के लिए आ जाएगा, अगर फायर रेस्ट काउंट करना है तो वहाँ पे आ जाएगा। फायर रेस्ट काउंट को 2 बार क्लिक करिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जाके स्केप करिएगा, स्केप करके बाहर आ जाइएगा, बाहर आके फिर क्या करिएगा, आप उसी बम को फिर से वहाँ पे अप्लाई करेंगे या लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, सिंपल एनालिसिस करने लगेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर बम लिमिट क्रॉस हो गया तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।